आज हम बनाने जा रहे हैं आम का तीखा चटपटा अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का तीखा चटपटा अचार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमने 2 kg फ्रेश आम लिया है, जिसे हमने धोकर किचन टॉवल में पोंछकर अच्छे तरह से सुखा लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे तेज धार वाली चाकू से या बैठी से या कटर मशीन से काट सकते हैं। हमने सारे आम को कट कर लिया है। आप इसे इस तरह से हल्के छोटे पीसेस में या बड़े पीसेस में या फिर इस तरह से लंबाई में भी कट कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 4 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब एक प्लेट ढककर हम इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। एक घंटा धूप में दिखाने के बाद आम का पानी इस तरह से निकल गया है और आम के अंदर तक नमक चला गया है। अब हम इसे छन्नी से छानकर इसका पानी को निकाल लेते हैं। हमने इसका पानी को निकाल लिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए धूप में कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला के सुखा लेंगे। हमने इसे धूप में अच्छी तरह से फैला दिया है। इसे हम बीच बीच में 1-2 बार उलट पलट कर लेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए रहने देंगे। 4 घंटा धूप में दिखाने के बाद हमारा आम कुछ इस तरह से सूख चुका है और ये हल्का पक भी चुका है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए अब एक कढ़ाई को हल्का गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच सौंफ डाल देते हैं और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। सौंफ को मीडियम फ्लेम में 20 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। हमें मीडियम फ्लेम में मसालों को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 लाल मिर्च और इसे भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। हमने मसालों को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें 1 चम्मच मेथी का दाना डाल देते हैं और साथ ही डाल देते हैं 1 चम्मच पीली वाली सरसों। आप चाहे तो काली वाली सरसों भी ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। मसाला ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में 400 ml सरसों का तेल लिए हैं और इसे धुआं छोड़ने तक गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। मसाला को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हमने एक बर्तन में गर्म तेल को ठंडा करके निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से अचार में बहुत अच्छा कलर आता है।
अब हम इसमें पीसे हुए मसाले को भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें कटे हुए आम को डाल के मिला लेंगे। मसाला और आम को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिलाने से आम में मसाला अच्छी तरह से कोटिंग हो जाती है। हमें 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चलाते रहना है। हम अभी नमक का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने नमक का यूज पहले ही किया है। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे एक कांच के जार में डाल लेते हैं। हमारा आम का अचार तैयार है। हमने इसे एक जार में भर दिया है। अब हम इसे लगातार 1 सप्ताह तक धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के लिए जार का ढक्कन को खोलकर एक कॉटन कपड़ा से ढक देंगे, जिससे कि अचार में बाहरी धूल नहीं पड़ेगी और हमारा अचार से निकलने वाली नमी भी कपड़ा सोख लेगी। अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सरसों का तेल से जार को पूरी तरह से भर देना है, जिससे कि अचार बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। हमारा आम का चटपटा तीखा अचार तैयार है। आपको हमारा आज का ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।